हेलो दोस्तों, मैं हूँ सीरा नुहमानी। स्वागत है आप सबका। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे आप एनआरआई स्टेटस चेक कर सकते हैं इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। तो आइए देखते हैं हम लोग इस वीडियो में क्या क्या देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, और उसके क्या क्या रूल्स है और उस रूल्स के एक्सेप्शंस क्या क्या है। और हम ये भी देखेंगे कि नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट क्या होता है और कैसे आप ऑनलाइन कैलकुलेट कर सकते हैं अपना रेसिडेंशियल स्टेटस इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। तो सबसे पहले बात ये मैं बताना चाहूंगा कि इनकम टैक्स एक्ट के अंदर एनआरआई का कोई स्पेसिफिक क्लियर कट डेफिनेशन नहीं दिया हुआ है। इनकम टैक्स एक्ट के अंदर रेसिडेंट का डेफिनेशन दिया हुआ है। तो अगर आप रेसिडेंट नहीं होते हो तो आप ऑटोमेटिकली नॉन रेसिडेंट हो जाते हो। तो हम देखते हैं कि रेसिडेंट के लिए क्या कंडीशंस है। तो रेसिडेंट होने के लिए आपको दो कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। सबसे पहली कंडीशन है कि अगर आप एक कोई पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर या फाइनेंशियल ईयर में 182 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में रहते हो तो आप रेसिडेंट हो जाते हो। कोई भी एक फाइनेंशियल ईयर जो कि अपना अप्रैल से मार्च चलता है, अगर आपको फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर के बारे में नहीं पता है तो आप मेरा वीडियो जाके देख सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और इधर राइट हैंड साइड में भी आ जाएगा उसका लिंक, आप वो चेक कर सकते हो। तो पहला कंडीशन ये हो गया कि आप अगर इंडिया में एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में 182 डेज या उससे ज्यादा रहते हो तो आप रेसिडेंट हो जाते हो। दूसरा कंडीशन क्या है कि आप कोई पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में 60 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में रहते हो, और उसके साथ साथ इधर एंड लिखा हुआ है तो ये दोनों कंडीशन साथ में फुलफिल होनी पड़ेगी कंडीशन नंबर टू के लिए। तो एंड 365 डेज और मोर ड्यूरिंग 4 ईयर्स इमिजिएटली प्रेसिडिंग द प्रीवियस ईयर, मतलब हम जिस फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं उसमें तो आपको 60 डेज रहना है इंडिया में, और उसके पहले वाले जो 4 साल है वो 4 सालों का मिला करके आपको 365 डेज या उससे ज्यादा अगर आप इंडिया में हो तो ये कंडीशन आपकी फुलफिल होगी। और यदि आपकी दोनों कंडीशन फुलफिल होती है साथ में तो आप रेसिडेंट हो जाते हो। तो कंडीशन नंबर 182 डेज और कंडीशन नंबर 260 डेज तो होने ही चाहिए। उसके अलावा जिस ईयर की हम बात कर रहे हैं उसके पहले वाले 4 सालों के अंदर आपको 365 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में रहेंगे आप, तो आपको रेसिडेंट कंसिडर करने में आएगा। अगर आप कंडीशन नंबर 1 या कंडीशन नंबर 2 किसी में भी नहीं आते हो तो आप ऑटोमेटिकली नॉन रेसिडेंट हो जाते हो। अभी इस दो रूल्स का एक्सेप्शन क्या है, दो कंडीशंस जो हमने आगे देखी उसका एक्सेप्शंस भी, दो एक्सेप्शंस है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला एक्सेप्शन ये है कि अगर कोई इंडियन सिटीजन एंड पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये हम बाद में देखेंगे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन होता है, विजिट्स इंडिया ड्यूरिंग द ईयर। एक्सेप्शन नंबर 1 कि अगर कोई इंडियन सिटीजन या तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इंडिया में विजिट के लिए आता है या घूमने के लिए आता है। दूसरा कंडीशन क्या है कि इंडियन सिटीजन हु लीव इंडिया इन द प्रीवियस ईयर एज अ क्रू मेंबर और फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब आप जॉब के लिए अगर आप इंडिया से बाहर जाते हो या अगर क्रू के लिए आप बाहर जाते हो तो आप ये एक्सेप्शन में आ जाएंगे। तो अगर आप एक्सेप्शन नंबर 1 या एक्सेप्शन नंबर 2 में आते हो तो क्या होगा, तो अगर आप कंडीशन नंबर 1 या कंडीशन नंबर अगर आप एक्सेप्शन 1 या एक्सेप्शन 2 में आते हो तो क्या होगा, पीरियड ऑफ 60 डेज एज मेंशन कंडीशन नंबर 2 अबव शैल बी सब्स्टिट्यूटेड विद 182 डेज। तो हमने जो आगे देखा था कंडीशन नंबर 2 जिसके अंदर 60 डेज था वो 60 डेज नहीं रहेगा, 182 डेज हो जाएगा। हम पहले ये देख लेते हैं कि हमने ये दो कंडीशंस देखी थी। अगर आप एक्सेप्शन के अंदर आते हो तो आपके कैलकुलेशन में ये 60 डेज नहीं रहेगा, यहां पे ये 182 डेज हो जाएगा और बाकी सारे कंडीशन सेम ही रहेंगे। अब बात कर लेते हैं आपका पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या होता है। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन शैल बी डीम्ड टू बी इंडियन
टू बी ऑफ इंडियन ओरिजिन इफ ही और इधर ऑफ हिज पेरेंट्स और एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स वॉज बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया. तो अगर आप खुद या आपके पेरेंट्स दोनों में से कोई एक पेरेंट या माता जी या पिताजी कोई भी एक या आपके ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई एक. ग्रैंड पेरेंट्स का मतलब हो गया दोनों साइड, मम्मी के साइड भी और पापा के साइड भी. अगर कोई भी इंडिया में से कोई भी इंडियन बॉर्न है अनडिवाइडेड इंडिया, कि अगर आजादी के पहले आपके दादा दादी बॉर्न हुए थे और वो अनडिवाइडेड इंडिया में थे तो भी वो इंडियन ही कंसिडर करने में आएगा. तो ये तीन कंडीशन होगी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के लिए, या तो आप खुद या आपके पेरेंट्स या आपके ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में बॉर्न होने चाहिए तो आप इंडियन ओरिजिन कंसिडर करने में आएंगे. अब बात कर लेते हैं नए रूल की जो फाइनेंशियल ईयर 2021 में एप्लीकेबल होगा. जो लास्ट फरवरी में जब बजट आया था तभी ये कंडीशन डालने में आई थी. अभी ये कंडीशन क्या बोलती है कि 60 डेज एज मेंशन कंडीशन नंबर 2 अबव शैल बी सब्स्टिट्यूटेड विद 120 डेज इफ एन इंडियन सिटीजन और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हुज टोटल इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज एक्सीड 15 लाख ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. तो जैसे कि हमने कंडीशन 2 में देखा था कि 60 डेज का कंडीशन 2 के अंदर 60 डेज का कैलकुलेशन था, पर अगर आपकी टोटल इनकम जो कि इंडिया से है, इधर इन लोग ने बोला है अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेस, तो इसका हम लोग सिंपल मीनिंग ये होगा कि अगर आपकी इंडिया में से जो इनकम आपको मिलती है वो 15 लाख या उससे ज्यादा होगी तो ये 60 दिन का जो कैलकुलेशन है वो आपके लिए 60 दिन नहीं रहेगा बट ये 120 डेज हो जाएगा. ठीक है, अब बात कर लेते हैं कौन ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा और कौन नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा. तो यहां पे भी सेम कंडीशन है कि अगर आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं होते हो तो आप ऑटोमेटिकली नॉन रेसिडेंट हो जाते हो. तो हम बात करेंगे कि कौन ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा. यहां पे भी दो कंडीशन है ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए. सबसे पहला कंडीशन है 2/10 रूल, मतलब अगर जिस फाइनेंशियल ईयर की हम बात कर रहे हैं उसके उसके पहले का 10 साल का हमको चेक करना है कि 10 में से किसी 2 साल में भी अगर आप रेसिडेंट होते हो तो आप ये कंडीशन में आ जाएंगे. कंडीशन ए के अंदर आप ये कंडीशन में आ जाएंगे. या तो फिर 7/730 रूल, मतलब जिस फाइनेंशियल ईयर का हम कैलकुलेशन कर रहे हैं उसके पहले के 7 साल हमको चेक करने हैं. उस 7 सालों में अगर आप 730 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में रहे हो तो आपको ये कंडीशन बी हिट हो जाएगा और आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो जाएंगे. और अगर आप ये दोनों भी कंडीशन में नहीं आते हो तो आप नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो जाएंगे. अगर आप ये दोनों में से किसी एक भी कंडीशन में आ जाते हो तो आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाएंगे. ये कैलकुलेशन हम कब करेंगे, जब हम रेसिडेंट की कैटेगरी में आएंगे तभी हम कैलकुलेट करेंगे कि आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो या नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, क्योंकि सब चीजों का कैलकुलेशन अलग अलग है. रेसिडेंट के लिए अलग है, नॉन रेसिडेंट के लिए अलग है, और ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए भी अलग है और नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए भी अलग है. तो अगर आप रेसिडेंट होते हो तो ही हमको ये कैलकुलेशन करना है कि आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो या नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो. अगर आप नॉन रेसिडेंट हो तो आपके लिए क्लियर सिंपल है कि आप नॉन रेसिडेंट हो, आपका कैलकुलेशन एकदम सिंपल हो जाएगा. अब चलते हैं ऑनलाइन के ऊपर कि कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो इजीली. जैसे आपको गूगल पे आना है और डालना है कैलकुलेट रेसिडेंशियल स्टेटस, तो आपको ये सबसे पहले income tax india.gov.in का लिंक आपको मिल जाएगा, आपको उधर क्लिक करना है. यहाँ पे हम सबसे पहले असेसमेंट ईयर या फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करेंगे. तो हम हमारे एग्जांपल में असेसमेंट ईयर सिलेक्ट कर लेते हैं 2020-21, जो कि हो जाएगा आपका फाइनेंशियल ईयर 2019-20. तो यहाँ पे हमको डेट्स डालनी है, डेट ऑफ अराइवल और डेट ऑफ डिपार्चर फ्रॉम इंडिया. तो अगर हमने असेसमेंट ईयर 2020-21 लिया हुआ है उसका मतलब हमारा फाइनेंशियल ईयर हो जाएगा 2019-20. तो हम यहाँ पे जो डेट्स डालेंगे वो 19-20 के बीच की डेट डालेंगे कि अप्रैल 2019 से लेके मार्च 2020 तक हम कितने टाइम इंडिया में थे. और ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको नोट दिखाना चाहूंगा. यहां पे नोट लिखा हुआ है एज पर सर्कुलर नंबर 11 2020 डेटेड
8 मई 2020। यहाँ पे नोट का बेसिकली मैं आपको समरी बता देता हूँ कि अगर आप 22 मार्च के बाद में आप इंडिया में हो और अगर आप नहीं जा पाए थे इंडिया के बाहर बिकॉज ऑफ लॉकडाउन और कोरोना की वजह से, अगर आप इंडिया में क्वारंटाइन हो गए थे या आप आपकी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई थी या आप नहीं जा पाए थे, तो आपका ये जो पीरियड है 22 मार्च से 31 मार्च तक का जो पीरियड है वो हम इस कैलकुलेट में इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, ये हमने नोट पढ़ लिया जो गवर्नमेंट ने दिया हुआ था। अभी हम आ जाते हैं हमारे एग्जांपल के ऊपर। तो हमने यहाँ पे असेसमेंट ईयर 2020-21 सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे आपको आप क्या हो सिलेक्ट करना है, तो हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं कि हम पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है या तो फिर इंडियन सिटीजन है। अब हम कितनी बार इंडिया में आए थे, नंबर ऑफ जर्नीस, तो मैं ये मेरे एग्जांपल में डाल दूंगा 3। तो हमको ये 3 अलग अलग जर्नी का डिटेल्स देना है कि कब आप इंडिया में आए थे और कब इंडिया से गए थे। तो इस एग्जांपल में आपको डेट सिलेक्ट करनी है यहाँ पे, तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ 2019 का ईयर था मेरा और अप्रैल 15 की डेट में सिलेक्ट कर लेता हूँ और डिपार्चर का डेट में सिलेक्ट कर लेता हूँ 25 अप्रैल। तो ये नंबर ऑफ डेट ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया। उसी तरह से हम दूसरा भी डाल देते हैं, तीनों जर्नी का डिटेल्स में डाल देता हूँ दोस्तों। तो ये मैं डाल देता हूँ 2 अक्टूबर से लेकर के 20 अक्टूबर, मान लीजिए 20 अक्टूबर। 20 अक्टूबर मैंने डाल दिया, तो ऑटोमेटिक यहां पे डेज कैलकुलेट हो जाते हैं। थर्ड वाला मैं डाल देता हूं मार्च, नहीं काम करते हैं हम फेब्रुवरी ले लेते हैं। 22 फेब्रुवरी से 3 मार्च, जबकि नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट हो गए ये आपके 41 डेज हो गए। ठीक है, तो अगर आप 41 डेज ही इंडिया में थे तो आप नॉन रेसिडेंट हो गए। ओके दोस्तों, ने तीनों जर्नी का डिटेल्स डाल दिया, तो हमारे 41 डेज हो गए इंडिया के अंदर, तो हम नॉन रेसिडेंट है। इधर यहाँ पे आपको क्लिक किया आएगा कि यू आर अ नॉन रेसिडेंट फॉर असेसमेंट ईयर 2020-21। बट इन केस अगर मेरा 182 डेज से ज्यादा होता है तो क्या होगा, तो मैं यहाँ पे ये डेट चेंज करके मैं डाल दूंगा सितंबर की। ओके, तो सितंबर की अगर मैं 12 तारीख डालता हूँ तो ये 181 डेज होता है, बट अगर सितंबर की अगर मैं 13 तारीख डालता हूँ तो ये 182 डेज हो जाएगा। और ये नीचे मेरे को पूछेगा कि आप इस ईयर के पहले 7 सालों में आप कितने दिन इंडिया में रहे थे। तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ डेज डालने हैं। तो ये मैं मेरे एग्जाम्पल में हम रफली एग्जाम्पल कुछ भी ले लेते हैं, 100 100। तो ये मैंने अगर सब में 100 100 डाल दिया तो मेरे कितने हो गए, ये 700 डेज हो गए, तो आप नॉन रेसिडेंट हो जाएंगे। क्योंकि हमारा रूल क्या था, 730 डेज होने चाहिए या उससे ज्यादा होने चाहिए। तो अगर मैं चेंज करके दिखाता हूँ कि 120 डेज हो गया और ये भी 120 डेज हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा आपको दूसरा कंडीशन पूछेगा कि क्या आप आर यू रेसिडेंट इन इंडिया इन एटलीस्ट 2 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर। तो क्या पिछले 10 सालों के अंदर आप किसी 2 साल के अंदर इंडिया में रेसिडेंट थे। अगर मैं यस करता हूं तो ये मेरा हो जाएगा यू आर ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और अगर मैं नो करता हूं तो मैं हो जाऊंगा नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। दोस्तों आपको ये समझ में, मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा कि कैलकुलेशन कैसे करना है। इस वीडियो के द्वारा मैंने सिर्फ आपको रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे कैलकुलेट करना है, कि आप रेसिडेंट हो नॉन रेसिडेंट हो या ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो या नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, वही दिखाया हुआ है। टैक्सेशन के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और उसके अंदर आपको दिखाऊंगा कि किसको कितना टैक्स लगता है और किन किन चीजों पर टैक्स लगता है और किन चीजों पर टैक्स नहीं लगता है एनआरआई के लिए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे आपके कॉन्टेक्ट में जो भी एनआरआई है, आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स, आप उनसे ये वीडियो शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको आने वाले सभी वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच।